नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। 2019 चुनाव से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी के सामने कई प्रश्न खड़े हो गए। और जो सबसे पहला यक्ष प्रश्न है कि क्या बीजेपी मिशन 2019 आम चुनाव में अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का प्रमुख चेहरा होंगे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीन राज्यों में बीजेपी को मिली हार से पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है और अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने पर भी मजबूर हुई है, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ताकतवर नेता के रूप में उभरने के साथ ही साथ मोदी और बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लोग अपना नजरिया बदलने पर मजबूर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आई हैं, जहां पर अगर यूपी में माया अखिलेश के साथ गठबंधन हुआ तो बीजेपी के लिए 2014 प्रदर्शन का आधा भी दोहरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी का जादू भी फीका रहेगा, यानी बीजेपी उस हिंदी पट्टी में ही बैकफुट पर जाती दिख रही है जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मिशन 2019 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी को मोदी के जादू का ही सहारा है, क्योंकि तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन रूप लेने लगा है। जो भी हो, 2019 चुनाव बीजेपी और मोदी के लिए बेहद कठिन होने जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाणक्य अमित शाह और जादूगर मोदी जनता को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये तो 2019 चुनाव के बाद ही पता चलेगा।